हेलो व्यूअर्स, तो आज हम आपके सामने अनबॉक्स करने वाले हैं प्रोलाइट क्रिस्टल का, हेवेल्स का एयर फ्रायर। और एक्चुअली मैंने इसे ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दी है, पर मैं सोच रही थी एक बार आप लोगों को भी दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या है। तो एक्चुअली जनरल यूज़ क्या होता है एयर फ्रायर का, कि हम देख सकते हैं कि आजकल के लोग जो है बहुत ही हेल्दी लाइफ फॉलो कर रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो जो भी खाना पीना खाएं उसमें ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी कम हो। लेकिन कम ऑयल में हम कुकर या फिर ओवन में उतना नहीं अच्छा बना सकते हैं, पर प्रोलाइफ की हेल्प से हम कम ऑयल में भी बहुत अच्छा डीप फ्राई, फ्रेंच फ्राइज या फिर आपका पनीर, कबाब, ये सब कुछ बना सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो पहले इसे खुलते ही हमें एक बुक मिलती है हेवेल्स की, जिसमें हमें किस तरीके से इसे यूज़ करना है उसके इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊंगी कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है और इसमें हम कितने टाइप के डिशेस बना सकते हैं उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बुक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो हम इसमें बना सकते हैं उसके बारे में एक अलग से बुक दिया हुआ है हेवेल्स की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। और ये डिशेस जनरली हम बाहर जाके खाते हैं जो कि काफ़ी ऑयली होती है, पर आप कम ऑयल इस्तेमाल करके इसे घर पे ही बना सकते हैं। और ये एक्चुअली एक स्टैंड है जिसके ऊपर हम जो अपना डिश, जो इंग्रेडिएंट वगैरह है वो रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इसकी पैकेजिंग की हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक्चुअली ब्लैक कलर चूज़ किया था। ये और भी बहुत सारे मेटालिक कलर्स में अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, और इसका जो प्राइस है अमेज़ॉन पे वो अराउंड 8700 है, और इसका ओरिजिनल प्राइस जो है अगर आप हेवेल से लेते हैं तो ये कुछ 17000 के आसपास का पड़ेगा आपको। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा विंडो दिया हुआ है इसमें, जिससे आप व्यू कर सकते हैं अपने डिश को कि वो किस तरीके से बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है और ये हैंडल है, और ये हैंडल जो है वो एक्चुअली थर्मोसेट प्लास्टिक का बना है, तो ये गर्म नहीं होता है। अगर इसमें आप कुछ भी खाना बना रहे हैं तो आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं, और किसी बॉडी पार्ट को टच उस टाइम करना थोड़ा आपके लिए। ये एक हैंडल है, आप देख सकते हैं, तो इस हैंडल में एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको प्रेस करना है, और प्रेस करते ही ये जो है बाहर आ जाएगा। इस कंटेनर में आपको अपनी डिशेस रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टैंड भी दिया हुआ है, तो इस स्टैंड को आपको हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है, और उसके बाद आप जो भी फ्रेंच फ्राइज या आपको पनीर कबाब जो भी बनाना है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ऊपर से हल्का सा ऑयल ग्रीस करके वापस से आप इसको पुश करिए इस बटन को, और ये इसमें सेट हो जाएगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका यूज़ कैसे करना है, अभी मैं आपको सिर्फ इसके फीचर्स बता रही हूँ। इसका जो डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर है वो अराउंड 115 डिग्री सेल्सियस में है, और वो 15 मिनट के रहता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, अभी मैंने इसे कनेक्ट नहीं किया है, पर मैं कनेक्ट करके आपको बताऊंगी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप इसके बॉक्स में देख सकते हैं, कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आप इसमें फ्रेंच फ्राइज, वेजिटेबल, केक भी बेक कर सकते हैं, और आप इसमें स्टिंग, चिकन, फिश, प्रॉन कुछ भी बना। तो इसमें एक सी थ्रू विंडो है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर एक्चुअली एक LED लाइट फिक्स है, तो आप बाहर से लाइट ऑन करके अंदर व्यू कर सकते हैं अपने डिशेस को। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस रहता है टाइमर एडजस्ट करने का, टेम्परेचर एडजस्ट करने का, और जो डिश आप बना रहे हैं इनकेस अगर आपको नहीं पता है कि उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसमें डायग्राम के साथ आपको दिया हुआ है, आप बस उस पर क्लिक करिए और उसका जो ऑटोमेटिक जो टेम्परेचर है वो अपने आप सेट हो जाएगा। इसके अलावा हमें हेवेल्स के एयर फ्रायर में 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी भी मिलती है। जनरली क्या होता है, जब हम पैन में बनाते हैं तो हमारे साइड की सब्जियां कच्ची रह जाती है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा, जो गर्म हवा है वो अच्छे से सर्कुलेट होकर सब कुछ अच्छे से पका सकती है। और इसके अलावा सिस्टम के अंदर और बाहर जाने के लिए भी यहाँ पे पीछे एक बैक साइड में विंडो दिया हुआ है, इससे जो जितनी भी एक्स्ट्रा गर्म हवा है वो बाहर आ जाती है। और इसके अलावा इसमें एक और सिस्टम है, जैसे ही आपका खाना रेडी होता है तो ये 5 बार बीप करेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि खाना रेडी हो चुका है। तो इसे ऑफ करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो फैन है वो एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक और रोटेट होता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कूल हो जाता है। इसे क्लीन करने के लिए आपको सिर्फ ड्राई क्लोथ का इस्तेमाल करना है और इस एरिया को क्लीन करना है। ध्यान रखिएगा, जब ये ठंडा हो तभी आपको क्लीन करना है, क्योंकि ये मेटल सर्फेस है और ये गर्म रह सकता है। तो खाना बनाने के 1 घंटे बाद ही आप इसे क्लीन करिए। ये जो है ये क्योंकि बाहर आ जाता है, तो आप इसमें नॉर्मली जैसे आप अपने बर्तन धोते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तरीके से पानी से धो सकते हैं, पर इसे नहीं धो सकते हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें लगी हैं जो पानी जाने की वजह से ख़राब हो सकते हैं। ये जो स्टैंड है आपको सेपरेटली अलग करके और धो लेना है, और उसके बाद ये रीयूज़ के लिए रेडी रहेगा।